दोस्तों रेडमी के फ़ोन में जैसा कि आज सभी जितने भी रेडमी के फ़ोन में सारे फोल्डर एक जैसे ही खुलते हैं, ठीक है। जितने भी फोल्डर्स होते हैं वो एक तरह के ही खुलते हैं और सारे ऑप्शन एक से ही होते हैं। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं बताने जा रहा हूं कि MI के जो फोन्स हैं उनमें जो नोटिफिकेशन ट्यून है उसे कैसे बंद और चालू या सेट कैसे कर सकते हैं, सारी इस वीडियो में जानकारी देने जा रहा हूं। दोस्तों उससे पहले जान लीजिए, मैं हूं इस चैनल का होस्ट और आपका अपना दोस्त बिमलेश कुमार। तो चलिए जानकारी को आगे बढ़ाते हैं। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो जानकारी को आगे बढ़ा लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको करना क्या होगा, यहाँ पे आपको सेटिंग में जाना होगा। इस तरीके से सेटिंग में जब आप जाओगे स्क्रॉल करके इस तरीके से, तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिल जाता है साउंड एंड वाइब्रेशन का, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं मिलता है जो सेट कर लेना है उसे, नोटिफिकेशन को बंद सेट और कैसे ऑन और ऑफ करना है। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे नोटिफिकेशन से क्लिक करते हैं, नोटिफिकेशन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन खुल के बहुत सारे आ जाते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे आपको जैसे आपको चॉइस करनी है लोकल निकुण, तो इस तरीके से ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आप। जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पे रिकॉर्ड और फाइल और म्यूज़िक का ऑप्शन मिल जाता है, आप इनमें जाके अपनी सेट कर सकते हो डायरेक्टली। तो यहाँ पे मैं डायनेमिक रिंगटोन पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे नोटिफिकेशन बार पे क्लिक करता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे आपकी रिंगटोन नोटिफिकेशन साउंड यहाँ पे इस तरीके से आ जाते हैं, जैसा कि आपको यहाँ नज़र आ रहे होंगे इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से आ जाएंगे, मैसेज के भी आ जाएंगे, जैसे कि यहाँ पे इनकमिंग के मैसेज के यहाँ पे इस तरीके से आ जाते हैं। दोस्तों इस तरीके से मैंने इसे सेट कर लिया, यहाँ पे आप सेट को सेट कर लेना है। जैसे ही आप सेट करोगे आपकी नोटिफिकेशन है वो चेंज हो जाएगी। अब दोस्तों यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है रिंगटोन का, रिंगटोन पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप रिंगटोन भी इस तरीके से सेट कर सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारी मिल जाती हैं। अगर आल पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे बहुत सारी आपको मिल जाती हैं, इन्हें सिलेक्ट कर लेना है। अगर दोस्तों आप इसे बंद करना चाहते हो डोंट सेट रिंगटोन, इस पर क्लिक करके यहाँ पे आप सेट भी कर सकते हो इस तरीके से। तो जैसा कि मैं यहाँ पे वापस जाता हूँ यहाँ पे इस तरीके से, तो मैं यहाँ पे फर्स्ट वाली कर लेता हूँ इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से आपको वापस आ जाना होगा। यहाँ पे आप नोटिफिकेशन वाले पर भी यही कर सकते हो, जैसा कि मैं यहाँ पे आल पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे आपको क्या करना है डोंट सेट रिंगटोन, यहाँ पे क्लिक करके बिल्कुल बंद कर सकते हो इस तरीके से, ठीक है। अब दोस्तों इस तरीके से आप भी कर पाए होंगे। अब दोस्तों अलार्म की भी आप सेट कर सकते हो यहाँ पर ही, ठीक है, इस तरीके से ही। दोस्तों आप इस तरीके से समझ गए होंगे, यहाँ पे दो ऑप्शन आपको मिल जाते हैं, इनसे आप कर सकते हो, यहाँ पे आप सिलेक्ट भी कर सकते हो, बहुत सारी आपको आ जाते हैं। अब दोस्तों मैं यहाँ पे आपको एक मैसेज भेज के दिखाता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे कोई ना कोई मैसेज भेज के दिखाता हूँ। जैसे मैंने व्हाट्सअप ओपन किया और यहाँ पे मैंने कोई ना कोई भेजा है, जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया यहाँ पे कोई ना कोई मैंने मैसेज भेजा, तो यहाँ पे मेरे दूसरे व्हाट्सअप पे जो मैसेज गया तो यहाँ पे आपको रिंगटोन सुनाई दे गई होगी कि ऐसी रिंगटोन आएगी। दोस्तों उम्मीद करता हूँ जानकारी अच्छी लगी, तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भूलूंगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप मेरी जानकारी इससे मत हो पाएंगे। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लीजिए जय हिंद जय भारत वंदे मातरम।